हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम के मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस। और हमने एक सिचुएशन विजुअलाइज़ करने की कोशिश की थी जहाँ पर एक आईटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, पर्टिकुलरली आईटी से स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे व्हाट्सएप है या इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर केवल 40-50 आदमी काम करते हैं और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिज़नेस को कंट्रोल करते हैं। जैसे व्हाट्सएप $19 बिलियन में बिका और व्हाट्सएप में टोटल जो आदमी थे वो 50 आदमी थे, 50 उसके एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ जिस समय वो बिका 50 थी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। तो बेसिकली इससे हमें ये पता चल सकता है सिक्योरिटी का, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से एम्प्लॉय ह्यूमन रिसोर्स का क्या इफेक्ट हो सकता है। नीचे के लेवल पर ह्यूमन रिसोर्स को या ह्यूमन बींग्स को हटाया जा रहा है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है नीचे के लेवल पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस उतनी नहीं आ रही, चीज़ों को ऑटोमेट किया जा रहा है। यानी कि जहां दो आदमी काम करते हैं वहां पर एक मशीन लाकर एक आदमी की कॉस्ट बचाने की कोशिश की जा रही है और धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती जा रही है और ह्यूमन बीइंग जो है इस वैल्यू चेन में ऊपर चलते जा रहा है क्योंकि फाइनली जो है जो भी उस सिस्टम को कंट्रोल करेगा वो ह्यूमन बीइंग होगा। तो ह्यूमन बीइंग का पेडेस्टल में ऊपर होते जा रहा है और उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रही है। जनरली क्या है, ह्यूमन बीइंग नॉर्मली जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन से हटता जा रहा है और इस वजह से क्या है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। 100 आदमियों का काम एक सिंगल आदमी के बराबर की मशीन कर रही है तो उसी कॉस्ट में काम हो रहा है, मतलब एक सिंगल आदमी के बराबर के काम को एक ऑटोमेटेड सिस्टम्स को ऑटोमेट करके लिया जा रहा है। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था और हमने ये जाना था कि क्यों ह्यूमन रिसोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हमारी स्टडी जो है का अगला टॉपिक है बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन एचआर मैनेजमेंट। और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमें अगर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर, वैसे तो हर जगह ह्यूमन रिसोर्स क्रिटिकल होता है पर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में अगर हम कहीं जाएंगे वहाँ पर कई बार क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स का प्रस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जनरली क्या है कि ऑडिट करते हो, ह्यूमन रिसोर्स का भी ऑडिट करते हो एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर बन के किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हो तो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो उसकी अगर आप ऑडिट करना शुरू करोगे, एचआर ऑडिट करना शुरू करोगे तो आपको एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट होगा उसमें, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसमें। जब आप इंटरनल कंट्रोल देखने की कोशिश करोगे, अपना टाइम बांटोगे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में तो बहुत कम टाइम लगाओगे एचआर प्रैक्टिसेस में। एक जनरल ओवरव्यू देख लोगे कि एचआर सही है कि नहीं है, सही स्ट्रांग है कि नहीं है, सही तरीके से एम्प्लॉयज़ को प्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन जिस कंपनी में ज़्यादा ऑटोमेशन है और पर हर एक आदमी ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंट्रोल कर रहा है, हर आदमी जो है, जैसे व्हाट्सएप है, जैसा मैंने बोला $19 बिलियन की कंपनी है, $1900 बिलियन पूरा हिंदुस्तान एक साल मिला के कमाता है, यानी हिंदुस्तान की जो ईयरली GDP है $1900 बिलियन है और $19 बिलियन 125 करोड़ आदमी काम करते हैं हिंदुस्तान में $1900 बिलियन के लिए, जबकि व्हाट्सएप के $19 बिलियन के लिए केवल 50 आदमी काम कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशंस में या जैसे जैसे ऑटोमेशन ज़्यादा बढ़ता जाता है तो बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल कर रहे होते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स क्रिटिकल रिसोर्स बनता जा रहा है। मतलब नीचे के लेवल पर उसे ऑटोमेट कर दिया जा रहा है, नीचे के लेवल से उसे हटा दिया जा रहा है, रिपीटेटिव वर्क में उसे हटा दिया जा रहा है, स्ट्रक्चर्ड वर्क में उसे हटा दिया जा रहा है, इवन अनस्ट्रक्चर्ड वर्क में, सेमी स्ट्रक्चर्ड वर्क में उसे हटा दिया जा रहा है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड वर्क में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई है तो ह्यूमन बीइंग को हटाया नहीं जा रहा है, वहाँ पर उसे ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल में रखा जाता है और जनरली वो पूरे सिस्टम के कंट्रोल में रहता है। जब चूंकि वो पूरे सिस्टम के कंट्रोल में रहता है तो उस वो क्रिटिकल रिसोर्स के रूप में उभरता चला जा रहा है। तो एचआर जो है वो फाइनली इंश्योर करता है कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स एंटरप्राइज के अचीव हो रहे हैं। तो तीन की रिसोर्सेस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। और पीपल जो है वो ऊपरी पेडेस्टल में आज की डेट में बैठे हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं या इम्पेयर करते हैं इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस को। यानी कि टेक्नोलॉजी को फाइनली
टेक्नोलॉजी लगी है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको इम्प्रूव करना, क्योंकि रिकर्सिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई है अभी, ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अपने आप को इम्प्रूव कर सके ऐसी नहीं आई है, बहुत ही लिमिटेड वे में इम्प्रूव कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप को। तो रिकर्सिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई तो फाइनली ह्यूमन बीइंग को ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ये देखना पड़ता है कि ये टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, प्रोसेसेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है सीनियर मैनेजमेंट के लिए कि एक एचआर का प्रॉपर सिस्टम हो, एचआर मैनेजमेंट का, और बेस्ट प्रैक्टिसेज हों, जितना हो सके उतना प्रैक्टिसेज है। तो हमारी स्टडी में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेज और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिए हैं की एचआर प्रैक्टिसेज के, जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को किसी भी कंपनी में जाकर देखना चाहिए, ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो आदमी उस इकोनॉमिक रिसोर्स को कंट्रोल कर रहे हैं वो आदमी सही हैं कि नहीं है, उनका उनके पास स्किल्स है, उनका बैकग्राउंड सही है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले ये चीज़ क्या है कि जो एचआर है उन्हें वो एक रेगुलर असेसमेंट करते रहेंगे पर्सनल प्रैक्टिसेस का, यानी कि एचआर ये देखेगा, एचआर अगर मान लीजिए सपोज़ प्रमोशन प्रैक्टिसेस हैं उनकी, पर्सनल रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस हैं, तो ये देखेंगे कि रेगुलरली वो एसेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बेस्ट एचआर प्रैक्टिसेस को इन एरिया में। तो उसमें क्या होना चाहिए, बेसिकली लोगों की एजुकेशन, जो एजुकेशन एक्सपीरियंस है उसके अनुसार उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, और समय बीतने के साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदे होने चाहिए, ज़्यादा एजुकेशन वाले बंदे होने चाहिए, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया बढ़ना चाहिए। और उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, तभी कॉस्ट कम होगी। जैसे जैसे नए आईटी के पर्टिकुलर फील्ड में 4 या 5 साल में जनरेशन चेंज हो जाती है, प्रोडक्टिविटी के हम नेक्स्ट लेवल में पहुँच जाते हैं, तो चूँकि प्रोडक्टिविटी के नेक्स्ट लेवल में पहुँचते हैं तो जो बंदा पहले किसी एक सिस्टम को हैंडल कर रहा है, वो आज से 5 साल बाद या 3 साल बाद या 2 साल बाद वो बंदा बड़े सिस्टम को हैंडल करना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया बढ़ना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग बढ़नी चाहिए। और अगर कोई बंदा कंपनी छोड़ के चला गया, उसका हम रिप्लेसमेंट ले रहे हैं, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा, ज़्यादा एजुकेशनल एक्सपीरियंस के साथ हमें बंदा लेना चाहिए। कॉस्ट जो है, जितनी चीज़ों को हम जिस रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा ऑटोमेशन हो चुका होगा, लेकिन इफ़ेक्टिवली जो जितने लेवल ऑफ रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा है एक बंदा, उसकी कॉस्ट घटनी चाहिए। ये चीज़ हमें कॉन्स्टेंटली एचआर प्रैक्टिसेस में देखना पड़ेगा, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी बात, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी प्रोसेसेस एचआर की हैं वो एंटरप्राइज़ की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स के इनलाइन है कि नहीं है। जैसे हायरिंग हो रही है वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के इनलाइन है कि नहीं, ओरिएंटेशन हो रहा है, मालूम पड़ा ट्रेनिंग हो रहा है, इवैल्यूएशन हो रहा है, काउंसलिंग हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, कंपनसेशन दिया जा रहा है या डिसिप्लिनिंग हो रही है, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जो पॉलिसीज़ हैं उसके अनुसार होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि तीसरी बात यह है कि जो नॉलेज और स्किल है वो हमें उसको कॉन्स्टेंटली एसेस करना पड़ेगा कंटिन्यूस बेसिस पर, क्योंकि एंटरप्राइज के गोल्स मीट आउट करने हैं, तो हमें क्या है कि कट थ्रूट कंपटीशन है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो नॉलेज और स्किल्स हमें एसेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बंदों ने ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली है, अपनी नॉलेज बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई है, स्किल्स अपने बढ़ाए हैं कि नहीं बढ़ाए हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें देखनी पड़ेगी। उसके बाद रेगुलरली वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो पर्सनल कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ह्यूमन रिसोर्स है या आपके एम्प्लॉई हैं, वो क्वालिफाइड हैं कि नहीं है, उनके पास अप्रोप्रिएट एजुकेशन है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो यानी कि जॉब स्किल के अनुसार, जो भी जॉब स्किल, जो भी जॉब एलोकेटेड है उसके अनुसार एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, तो उसके अनुसार कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए मेंबरशिप दिलाना इम्पॉर्टेंट है, कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए मेंबरशिप अगर आप नहीं दिला रहे हो तो उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी। वो ट्रेनिंग के लिए अगर कहीं पर कोई प्रोफेशनल कोर्स है या आपका ट्रेनिंग सेशंस हैं तो उसमें जाना उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है और बड़ी तेज़ी से चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में इंडिविजुअल सर्वर रखे हैं कंपनी में, लेकिन सर्वर्स इंडिविजुअली उतने यूटिलाइज नहीं होते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग आ रही है। क्लाउड में क्या है कि सर्वर्स की जगह डेटा कहाँ रखा जाएगा, क्लाउड में रखा जाएगा, कंप्यूटिंग जो होगी वो क्लाउड में होगी। यानी कि एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंप्यूटिंग आपके डेटा को रखेगा, सिक्योर रखेगा, कंप्यूटिंग करेगा, और वो कई कई कंपनीज के डेटा को रख रहा होगा, अपने पास रख रहा होगा, तो वो क्लाउड में मेंटेन करेगा। तो यानी पैराडाइम शिफ्ट आ गया, यानी कि चेंजेस आ गए। तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, उसके अलावा मैनेजमेंट पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के अनुसार होनी चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस होना चाहिए, और ये रूल्स चेंज होते रहने चाहिए टेक्नोलॉजी के अनुसार। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे रूल्स चेंज होते रहने चाहिए, मतलब स्टैटिक नहीं रहने चाहिए। उसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉई को आप अपने वहाँ रख रहे हो तो वहाँ टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की, मतलब कि एम्प्लॉई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें ये होना चाहिए। जैसे आपका कोई एम्प्लॉई आया तो उसमें आपने उसके साथ कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए साइन कराया, वो आपने उसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए साइन कराया, उसको इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए साइन कराया, उसको ये एक डॉक्यूमेंट साइन कराया, ये एग्रीमेंट साइन कराया जिसमें उसमें उसने ये माना कि इंटरनल सिक्योरिटी इंटरनल कंट्रोल की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक एक लेवल की अवेयरनेस उसके पास आ जाएगी घुसते ही ऑर्गेनाइजेशन में कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो लायबल है। उसके बाद क्या है कि अगर आप एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आदमी के नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, सिक्योरिटी, अवेयरनेस के लेवल्स को मेंटेन किया जाए और उनको इफेक्टिवली परफॉर्म किया जाए। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उससे क्या है टेक्निकल और मैन पावर स्किल्स जो हैं वो अपडेट होते हैं, उन्हें रेगुलरली हमें रिव्यू करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि सफिशेंट क्रॉस ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर मान लिया सपोज एक की पर्सनल्स हैं तो आप जैसे फॉर एग्जांपल नीचे के एग्जीक्यूटिव ले रहे हैं तो उनके लिए एक पर्टिकुलर जॉब होगा, लेकिन जो ऊपर के बंदे होंगे उनको उनके लिए उनको कई कई चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी, तो क्रॉस ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा सक्सेशन प्लान होना बहुत ज़रूरी है, हर की फंक्शंस और पोजीशन के लिए सक्सेशन प्लान होना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि अगर मान लिया सपोज कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गई ऑर्गेनाइजेशन में और मैनेजर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में डिज़ास्टर आ गया तो उसके नीचे का डिप्यूटी मैनेजर या उसके उसे ओवरटेक कर लेना चाहिए, क्योंकि सक्सेशन प्लान है, वो सक्सेशन है, यानी कि वो उस बंदे के नहीं होने पर दूसरा बंदा उस सब चीज़ों को हैंडल कर सके। उसके अलावा क्या है कि कुछ पर्सनल्स होते हैं सेंसिटिव पोजीशन में होते हैं, जैसे उनके साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जॉब रोटेशन या अनइंटरप्टेड हॉलीडे होना चाहिए, 15 दिन की उनको छुट्टी होनी चाहिए, और वो 15 दिन की छुट्टी लें तो उससे क्या होगा अनअवेलेबिलिटी में ऑर्गेनाइजेशन कोपअप कर लेगा, और दूसरा बात यह फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर उसने कोई फ्रॉड कर रखा होगा तो इन 15 दिनों में या 20 दिनों में जो छुट्टी लेकर गया है वो पता चल जाएगा। उसके अलावा क्या है कि अगर मान लिया सपोज़ किसी भी बंदे को हायर किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी बहुत ज़रूरी है। सेंसिटिविटी जितनी है उसकी पोजीशन की उतना सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए। यानी कि एक व्हाट्सएप जैसा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 50 लोग काम करते हैं, वहाँ तो सिक्योरिटी क्लियरेंस हर एक बंदे की होनी ज़रूरी है, लेकिन अगर एक विप्रो जैसा कंपनी है जहाँ पर 10,000 बंदे काम करते हैं या कोई दूसरी कंपनी है जहाँ पर 10-15 हज़ार बंदे काम करते हैं तो वहाँ पर सेंसिटिविटी ऑफ पोजीशन डिटरमाइन करनी चाहिए और उसी के अनुसार सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि एम्प्लॉई का परफॉर्मेंस इवोल्यूशन प्रोसेस होना चाहिए, एक फेयर परफॉर्मेंस इवोल्यूशन प्रोसेस होना चाहिए ताकि इफेक्टिव रिवॉर्ड सिस्टम्स हों और एम्प्लॉई को पता रहे कि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा तो उसको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसको अच्छे प्रमोशंस मिलेंगे, उससे अच्छा पैसा मिलेगा। उसके अलावा जो जो इवेल्यूशंस हैं, कुछ इवेल्यूशन तो स्टैंडर्ड इवेल्यूशन है, कहने का मतलब कुछ इवेल्यूशन रेगुलर बेसिस पर होते हैं, कुछ इवेल्यूशन जो है स्टैंडर्ड इवेल्यूशन नहीं होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड इवेल्यूशन होते हैं। यानी कि अगर आप किसी एम्प्लॉई को किसी टर्म्स में देख रहे हो, अगर उसका एक जॉब प्रोफाइल है, उसको दूसरे स्टैंडर्ड्स में भी इवेल्यूएट कर सकते हो और उससे आपको कई फीडबैक मिल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी नॉन स्टैंडर्ड इवेल्यूशन भी आप कर सकते हो। उसके बाद अगर मान लिया सपोज किसी जॉब
टर्मिनेशन कर रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा, किसी आदमी को निकाल रहे हो, किसी कोई एक्शन ले रहे हो, तो उसमें ये देखना पड़ेगा सिक्योरिटी इम्पेयर नहीं हो इन सब चीज़ों के लिए। तो बेसिकली ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस थी एचआर मैनेजमेंट की। इसमें क्या है कि आदमी बेसिकली आप इसमें क्या है कि जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए, जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप बंदे को एम्प्लॉय करते हो तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उसे ये बताना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंटरनल कंट्रोल्स की उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी की उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट आपको साइन कराना चाहिए। एक बार वो कंपनी के अंदर आ गया तो ओरिएंटेशन होना चाहिए, वहाँ पर एचआर वो बताए कि उसकी उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। उसके बाद क्रॉस ट्रेनिंग वगैरह होना चाहिए, इसके अलावा सक्सेशन प्लान्स होनी चाहिए, उसके अलावा क्या है कि कॉन्स्टेंटली अपग्रेड होनी चाहिए नॉलेज, उनके स्किल्स का इवेल्यूएशन होना चाहिए और रेगुलर बेसिस में उनका इवेल्यूएशन होना चाहिए। अगर किसी को हायर किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, तो सेंसिटिव पोजिशन पर किया जा रहा है, तो उसके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस होना चाहिए। तो बेसिकली ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो एचआर मैनेजमेंट की हैं। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या ये प्रैक्टिसेस लागू हैं कि नहीं लागू हैं। अगर लागू नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में सही बंदे की हायरिंग नहीं हो रही है। तो यानी इंटरनल कंट्रोल कमज़ोर हो सकता है अगर सही बंदों की हायरिंग नहीं हो रही है, रिक्वेस्टेड स्किल नहीं है, रिक्वेस्टेड अगर उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है तो सही तरीके से उनकी हायरिंग नहीं हो रही है। और सही बंदों की हायरिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब सिस्टम कंट्रोल वीक होगा। इसके अलावा हमारी अगला टॉपिक जो हमारी स्टडी बोलती है हायरिंग के बारे में कहती है, तो बोलता है कि सबसे पहली चीज़ वो यही बोल रहे हैं कि सेंसिटिव पोजीशन के लिए क्लियरेंस होनी बहुत ज़रूरी है। यानी ये देखना है कि सिस्टम के किस लेवल पर बंदे को हायर कर रहे हो, अगर वो कितना इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैंडल कर रहा है, और जितने लेवल के इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो हैंडल करता है वो उतनी सेंसिटिव पोजीशन में बैठा होता है, और जितनी सेंसिटिव पोजीशन में बैठा होता है उतनी सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आईटी रिलेटेड पोजीशंस को मैं सिक्योरिटी गाइडलाइंस मीट आउट कर सकें इंटरप्राइज, और सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड पोजीशंस जो हैं उसमें जनरली जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड पोजीशन से इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड जो पोजीशन है उसमें सेंसिटिव क्लियरेंस होनी बहुत ज़रूरी है। और कौन कौन सी डेजिग्नेशन है जो इम्पॉर्टेंट है ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डेटाबेस को, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो डेटाबेस को रख रहा है, तो वहाँ सिक्योरिटी क्लियरेंस होने ही बहुत ज़रूरी है। सही आदमी को आपको हायर करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एप्लीकेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एप्लीकेंट ये को समझना कि ये वो उसकी जॉब है और ये काम वो कर सकता है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्मल डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जॉब स्पेसिफिकेशन का फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी ड्यूटीज़, अपॉर्चुनिटीज सब पता लग सकें। तो जॉब एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन फॉर्म होना चाहिए और उसी के बेसिस पर जॉब को एडवर्टाइज करना होगा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जब आप कोई एम्प्लॉय को हायर करना चाहते हो तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अपना एक फॉर्म भर के देगा कि भाई ये जॉब स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, उसी के बेसिस पर जो एचआर है वो हायर करता है। यानी कि एक फॉर्म होता है, फॉर्म भर के दिया जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है, और फिर उसके बाद एचआर उसी बेसिस पर हायर करता है। तो लोगों को इंटरनली रिक्रूट किया जा सकता है, एक्सटर्नली रिक्रूट किया जा सकता है। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में से क्या होता है कि मोराल बढ़ता है कंपनी का और एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस को हम कैप्चर कर सकते हैं, और लोगों को जॉब रोटेशन हो जाता है, कई चीज़ें हो जाती है, मतलब मोराल बढ़ता है, लोगों का एक पूल क्रिएट होता है, एक्सपीरियंस लोगों का पूल क्या होता है। लेकिन कई जगह पर एक्सटर्नल हायरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि जॉब स्पेसिफिकेशन ऐसा होता है कि वो स्किल सेट्स इंटरनल एम्प्लॉय के पास नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि इंटरनल एम्प्लॉय के पास वो स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं है जो आपको चाहिए, तो उसके लिए एक्सटर्नल हायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जैसा कि मैंने बोला कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है और जितना ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जितने वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज वो एक एक बंदा उसमें कंट्रोल कर रहा है,
उन ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंटरनल हायरिंग हो तो बेटर है कई केसेस में, क्योंकि इंटरनल एम्प्लॉय को आप जानते हो, लेकिन कई बार क्या होता है वो एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं और इंटरनल वाला बंदा उसको उतनी अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सकता, तो आपको एक्सटर्नल बंदा लेना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा एक्सटर्नल चाहिए इंटरनल चाहिए, दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ्स देखना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट को के पास वो डेटा होना चाहिए, वो एप्लीकेशन इवेलुएट करेंगे, इंटरव्यूज़ लेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, रेफरेंसेज लेंगे, रिज्यूम्स देखेंगे, स्क्यूलास्टिक रिकॉर्ड्स देखेंगे, पुराने रिकॉर्ड्स देखेंगे। तो उसके बेसिक प्रोसीजर्स कुछ फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आपको एम्प्लॉई के बारे में पता चले, और फिर उसके बाद आपको पता चले कि वो फिट हो रहा है कि नहीं फिट हो रहा है। क्योंकि व्हाट्सएप जैसा इकोनॉमिक सिस्टम है या कोई बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम है, उस बंदे की थॉरो स्क्रीनिंग होनी जरूरी है, बैकग्राउंड चेक, रेफरेंसेज, स्क्यूलास्टिक रिकॉर्ड आपको देखना जरूरी है, आपको मेंटल और फिजिकल हेल्थ देखना जरूरी है, आपको ये देखना है कि की एम्प्लॉयज़ के साथ ये बॉन्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उनके साथ सही तरीके से इंटरपर्सनल स्किल्स हैं कि नहीं है। क्योंकि जैसे व्हाट्सएप जैसा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 85 लोग हैं, तो 50 लोगों के साथ इसका ये बॉन्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दूसरी बात ये, कई ये देखना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक को डिस्कस नहीं की जाती हैं, मतलब एम्प्लॉय कंपनी के सीक्रेट्स होते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा ये एम्प्लॉई जो है कंपनी के सीक्रेट्स अपने आप में रखेगा कि नहीं रखेगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो उसमें क्या है, कुछ रिस्क भी होते हैं, मतलब आप हायर कर रहे हो तो बेसिकली कंट्रोल रिस्क क्या है, मतलब कुछ तो इनहेरेंट रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क तो होंगे ही होंगे, आप किसी को हायर करोगे तो कुछ तो रिस्क होंगे ही होंगे, लेकिन कंट्रोल कुछ कंट्रोल रिस्क होंगे। इनहेरेंट रिस्क जैसे फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉई आया वो कभी भी छोड़ के जा सकता है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज छोड़ के चले जाएगा आप कितना ही कोशिश करो, तो वो इनहेरेंट रिस्क है कि सब कुछ के बावजूद पर्टिकुलर रिस्क है, कोई एम्प्लॉई आया उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, वो इनहेरेंट रिस्क है। कंट्रोल रिस्क जो है उसमें क्या है कि स्टाफ सूटेबल नहीं है उस पोजीशन के लिए, लग रहा है इंटरव्यू में लग रहा है आपको लगे लेकिन एग्जैक्टली सूट नहीं कर रहा है, रेफरेंस चेक आपने नहीं कैरी किए बाद में पता चला, मतलब टेम्पररी स्टाफ और थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर अगर आपने रखे हैं तो कुछ अनकंट्रोल्ड रिस्क आ जाएंगे, तो ये रिस्क को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद प्रमोशन पॉलिसी के बारे में हमारी स्टडी कहती है, प्रमोशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि एम्प्लॉई को इनकरेज करे, मोराल बूस्ट करे, फेयर होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्रिटेरिया से होनी चाहिए और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, एजुकेशन एक्सपीरियंस और लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार होनी चाहिए, मतलब मार्केट के अनुसार होनी चाहिए। एम्प्लॉई अगर अनसेटिस्फाइड है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पर्टिकुलरली सेंसिटिव कंपनीज में। उसके बाद ट्रेनिंग के बारे में हमारी स्टडी कहती है, ट्रेनिंग हैज़र्ड नहीं होनी चाहिए, फेयर और रेगुलर बेसिस में होनी चाहिए, यानी कंटिन्यूस बेसिस में ट्रेनिंग होनी चाहिए, जहां एम्प्लॉई एक्सपर्टीज नहीं है वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए। प्रपोज्ड कोर्स वर्क आप देखोगे कि आप केयरफुली इवेल्युएट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अगर मान लिया सपोज कोई नया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर रहे हो तो वहाँ देखोगे कि ट्रेनिंग की नीड्स क्या हैं, ट्रेनिंग जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, जिस टाइप की ट्रेनिंग चाहिए, जिस एरिया में आप डील कर रहे हो उसी एरिया की आपको ट्रेनिंग देनी होगी। तो जितना बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम होगा और जितने कम आदमी उसे कंट्रोल कर रहे होंगे उतना वो एफिशिएंट होगा, लेकिन उसके जो उस जो बंदे जो एम्प्लॉई जो पर्सनल उसको उस को कंट्रोल कर रहे होंगे उस इकोनॉमिक सिस्टम में चेंजेस भी बहुत तेज़ी से आ रहे होंगे, मालूम पड़ा 5 साल में पूरी जनरेशन ही चेंज हो जाती है, जैसे मैंने बोला वहाँ पर और भी चीज़ें तेज़ी से चेंजेस आ रहे होंगे, चूँकि वहाँ पर तेज़ी से चेंजेस आ रहे होंगे तो वो उन 50 एम्प्लॉई या उन 100 एम्प्लॉई या 200 एम्प्लॉई या 5000 एम्प्लॉयज़ को ट्रेन तैयार होना और ट्रेन होना रीट्रेन होना बहुत ज़रूरी है, लर्निंग और अनलर्निंग बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या अनलर्न करना पड़ता है कई चीज़ों को जो आपने देखा, अनलर्निंग बहुत मुश्किल होती है। कई बार कोई आदमी कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहा है वो दूसरे तरीके से काम ही नहीं कर पाता, अगर आप एक लैंग्वेज सीख लेते हो तो उस लैंग्वेज को आप भूल नहीं पाते हो, तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सीखी, मालूम पड़ा आप आगे जा रहे हो तो उस लैंग्वेज को आप भूल नहीं पा रहे हो और नेक्स्ट लेवल पर ग्रेजुएट नहीं कर पा रहे हो, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, तो वो और होनी ज़रूरी है क्योंकि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एक्सप्लोड कर रही है। तो हमारी स्टडी इसी प्रस्पेक्टिव से जो आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में इसी प्रस्पेक्टिव से वो बता रही है कि एज एन इन कंपनीज़ में जो है हायरिंग जो एचआर पॉलिसीज़ हैं, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हैं, टर्मिनेशन पॉलिसीज़ हैं, ट्रेनिंग पॉलिसीज़ हैं, जॉब इवोल्यूशन पॉलिसीज़ हैं, या अगर कोई बंदा काम कर रहा है उसके मोराल को मेंटेन करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर पॉलिसीज़ होनी चाहिए। अगर वो पॉलिसी
एम्प्लॉयज़ हैं तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है और सही तरीके से काम कर रहा है। अगर एम्प्लॉय सही तरीके से काम कर रहा है तो इंटरनल कंट्रोल भी सही तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल के लिए हमने बोला कि टॉप मैनेजमेंट हमेशा उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टॉप मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट अगर इंटरनल कंट्रोल पर ध्यान नहीं रख रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो इंटरनल कंट्रोल धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएंगे, तो हमें ये देखना होगा कि वो कोलैप्स ना हो। तो ये बेसिकली थे बेस्ट एचआर प्रैक्टिसेस, एचआर मैनेजमेंट के बेस्ट प्रैक्टिसेस। उसमें हम किस तरीके से कौन कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस थे, हायरिंग में हम क्या क्या चीज़ देखेंगे और ये चीज़ देखी जाती हैं कि नहीं देखी जाती हैं, ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि नहीं देखी जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हमें देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर नीचे की जॉब्स जो हैं वो जाती जा रही हैं, वो रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्ड जॉब खत्म होती जा रही है, ऑटोमेट होती जा रही है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्ड जॉब्स ऑटोमेटेड नहीं है तो इसका मतलब ये वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करेगा, कंप्यूटराइजेशन ओवरटेक करता जा रहा है और धीरे धीरे ये बढ़ता चला जा रहा है, मतलब क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ रही है, वो कंपनीज़ धीरे धीरे मल्टीनेशनल कंपनीज़ बन जा रही हैं, एक छोटी सी कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी बन जा रही है क्योंकि उसमें कॉस्ट एडवांटेज है, वो कॉस्ट को छोटा कम कर दे रही है, वो कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर दे रही है, वो लार्ज स्केल चीज़ों को सर्विसेज या चीज़ों को बनाने में सफल हो रही है। तो बेसिकली ये रीज़न है कि स्ट्रक्चर्ड जितने भी स्ट्रक्चर्ड जॉब हैं वो ऑटोमेट होते जा रहे हैं, तो अनस्ट्रक्चर्ड जॉब जो है नॉन ऑटोमेटेड हो रहे हैं, तो अनस्ट्रक्चर्ड जॉब होते हैं ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पर और वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि वही एक पॉइंट है जहाँ से आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कंट्रोल करने लगते हो। आज की डेट में आप कई कई कंपनी हैं उनके पास सिक्योरिटी के लिए एक या दो बंदा रहता है उनके प्रमाइसेस में बड़ी मुश्किल से, और वो क्या होता है कि कैमरेज लगे होते हैं, वो कैमरेज दूर किसी दूसरे एरिया में लगे होते हैं, वहाँ पर एक टीम बैठकर सारे प्रमाइसेस को देख रही होती है कि कौन बंदा क्या कर रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, तो एक सेंट्रलाइज सिक्योरिटी सिस्टम है वहाँ पर, और वो सेंट्रलाइज सिक्योरिटी सिस्टम कॉन्स्टेंटली लोगों को सुपरवाइज कर रहा होता है, तो वो वहाँ पर क्या है कि जो नॉर्मल बेसिकली हमने ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस ला दी, सिक्योरिटी के टर्म्स में कॉस्ट इफेक्टिव ला दी, फिजिकल सिक्योरिटी के टर्म्स में कॉस्ट इफेक्टिवनेस ला दी, तो इसी तरीके से लॉजिकल सिक्योरिटी के टर्म्स में और चीज़ों के टर्म्स में हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस लाते जा रहे हैं, और ह्यूमन रिसोर्स जो है उन रिसोर्सेज को, उन जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज मैमोथ रिसोर्सेज को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है, और एक एक आदमी कई कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स को कंट्रोल करने लग रहा है, जो और इस वजह से उस एम्प्लॉई का ये असर्टेन होना कोई वो एम्प्लॉई सही है, उसके पास सही स्किल सेट है, वो हैप्पी है, खुश है और क्या कहते हैं सेटिस्फाइड है, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स।